हेलो एवरीवन, मैं निखिल पांडे, मेरे चैनल ड्रीम शिक्षा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 एंड क्लास 9 मैथमेटिक्स पर बेस्ड कॉन्सेप्ट, जो कि रैशनल नंबर पर बेस्ड होगा। आज हम उसमें सीखेंगे कि कैसे हम दो रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, या कैसे हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या पता कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो गाइस, स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हम सीखेंगे कि रैशनल नंबर्स होते क्या है। तो रैशनल नंबर्स होते हैं जिसे हम p बटे q के फॉर्म में या p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हिंदी में बोलेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p बटे q के फॉर्म में दर्शा सकते हैं। इसमें p बटे q के फॉर्म में दर्शा सकते हैं। याद रखिएगा, q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर q की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड या इनफाइनाइट हो जाएगी, या फिर अनंत हो जाएगी, जिसके कारण ये रैशनल नंबर नहीं रह जाएगा। सो रैशनल नंबर वो होता है जो कि p बटे q के फॉर्म में होता है और q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है। तो ये तो कॉन्सेप्ट था किस पर, ये तो डेफिनेशन हो गई आपकी, किस पर बेस्ड हो गई, रैशनल नंबर या परिमेय संख्या पर बेस्ड। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। आपको 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, या 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो क्या करोगे आप सबसे पहले देखोगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 3 और 4 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या होती है। आप अनगिनत परिमेय संख्या या इनफिनाइट रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या बोला है उसने, फिलहाल तो आपको कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे लिखा है 6 रैशनल नंबर्स निकालिए 3 और 4 के बीच में। तो 3 और 4 के बीच में मुझे 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो याद रखिए, यहाँ पे 6 लिखा है तो आप क्या करेंगे, 6+1 ले लेंगे। 6+1 कितना होता है, 7, और 7 को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड 3 और 4 दोनों में कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आपको कितने बोला है, 6 रैशनल नंबर या 6 परिमेय संख्याएं निकालने को बोला है। आप क्या करेंगे, 6+1 = क्या होता है, 7। ऐसा करके आप इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देंगे ताकि आपको आसानी से 6 रैशनल नंबर मिल जाए। चलिए तो करके देख लेते हैं, इंटू सेवन अपॉन सेवन, तो क्या हो गया, 7 3 21 एंड 7। ऐसे ही इसपे किया तो क्या किया, 28/7, 7 4 28 से 7 4 28/7। तो हमें अब क्या बतानी है इसके बीच में, 6 रैशनल नंबर, जो कि अब हम इजीली बता सकते हैं क्या होंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 एंड 26/7 एंड लास्ट 27/7। तो ये हमको क्या मिल गए, 6 रैशनल नंबर, जो कि हमने बहुत ही इजीली बता लिए। सिर्फ हमें एक चीज याद रखनी है या समझनी है कि 6 रैशनल नंबर पूछा है तो आप 6 से बड़ी कोई भी डिजिट ले सकते हैं। जैसे मैंने 7 ली, आप चाहें तो 8 लेके सॉल्व कर सकते हैं, 9 लेके सॉल्व कर सकते हैं। जितनी बड़ी संख्या लेंगे उतने ज्यादा रैशनल नंबर्स आपको मिल जाएंगे। तो अभी तो आपसे उसने 6 पूछा है तो आपने क्या ले लिया, 7 ले लिया। अगर आपसे वो पूछेगा 8 रैशनल नंबर्स तो आप क्या ले लेंगे, 9 ले लेंगे। अगर वो बोलेगा आपसे 10 रैशनल नंबर तो आप बोलेंगे कितना, 11 ले लेंगे। इस तरीके से आप उस 11 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देंगे। चलिए, ये तो बात हो गई 3 और 4 की। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी में बेस्ड। चलिए, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, 0.6 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, 3/5 और 4/5। ये इंग्लिश वालों के लिए क्वेश्चन है और ये हिंदी वालों के लिए। तो आपको 6 रैशनल नंबर या 6 परिमेय संख्या निकालनी है 3/5 और 4/5 के बीच में। सो गाइस, अब आप क्या करोगे, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या बोला है आपसे, 6 बोला है तो आप क्या करोगे, 6 से क्या कर दोगे, दोनों का इंटू कर दोगे, 3/5 ले लीजिए, 4/5 ले लीजिए। हम इसके बीच में क्या कर सकते हैं, आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि हम इसके बीच में अनगिनत या इनफाइनाइट
नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइस आप क्या करेंगे, आपसे कितना पूछा है उसने, छह परिमेय संख्या निकालिए, आप ज्यादा हो इसमें इसको भी बदल लेते हैं, फाइव रेशनल नंबर निकाल लेते हैं, कितने निकाल लेते हैं फाइव। अब उसने आपसे फाइव की बात की, तो आप क्या करोगे, फाइव प्लस वन कितना होता है सिक्स, आप कितनी डिजिट ले लोगे सिक्स, मतलब फाइव पूछा है तो आपको उससे बड़ी डिजिट लेने, या तो आप सिक्स ले सकते हो, सेवन ले सकते हो, एट ले सकते हो, ऐसे कुछ भी ले सकते हो। चलिए हम ले लेते हैं अभी फिलहाल सिक्स, और हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, या फिर आप हिंदी में बोल सकते हो अंश और हर दोनों में छह का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। चलिए करके देखते हैं, तो थ्री इंटू सिक्स, इधर भी सिक्स, यहां भी सिक्स और यहां भी सिक्स, तो क्या होता है, थ्री सिक्स 18 एंड फाइव सिक्स 30, ऐसे ये क्या होता है, 4 6 24 एंड 5 6 30। अब बताइए इसके बीच में आपको पांच परिमेय संख्या मिल सकती है, पांच रेशनल नंबर मिल सकते हैं, जी जरूर मिल सकते हैं, क्या होंगे, 90/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो ये हो गए आपके पांच परिमेय संख्या इन दो संख्याओं के बीच में। इसी तरह से आप दूसरे क्वेश्चंस में भी ये कॉन्सेप्ट लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा ये जो कॉन्सेप्ट है 5 प्लस 1 करके हमने एक बढ़ा के ले लिया है, उससे इंटू कर दिया है, ये आप कब लगाएंगे, जब इनके जो न्यूमरेटर, जब या तो सिर्फ डिजिट दिए हो 3 और 4, है ना, इस टाइप के डिजिट नंबर्स दिए हो, या फिर आपका डिनोमिनेटर या हर हमेशा क्या हो, सेम हो। ये कॉन्सेप्ट आप कब लगाएंगे, ध्यान रखिएगा ये कॉन्सेप्ट आप जब लगाएंगे, जब आपके पास से वैल्यूज हो, नंबर्स हो 3, 4, 5 ऐसे करके नेचुरल नंबर्स हो, या फिर आपके पास डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, या आपका हर सेम हो, तभी ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो गाइस नेक्स्ट क्लास में अपन दूसरा कॉन्सेप्ट भी पूरा करेंगे, सो आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, फिर मिलेंगे अगली क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, थैंक यू।